अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। आज हम खेले करे सीखे हमारी दर्सी किताब का सबक नंबर 5 रक्स का हिस्सा चलना चाल की हरकत सीखेंगे। बच्चों आप सब ये हरकत करने के लिए तैयार है? हाँ हम तैयार है। बच्चों आपने घोड़ा देखा है? हाँ देखा है। घोड़ा किस तरह चलता है आपने टीवी में मोबाइल में या कहीं बाहर घोड़े को चलते हुए देखा है ना? हाँ देखा है। अच्छा अजीम बताओ तो घोड़ा किस तरह हरकत करता है? अजीम के साथ जकी तुम भी करो। शाबाश। जिशान अरहान तुम दोनों दोस्त हो? दोस्त हो ना? हाँ हम दोस्त हैं। आप दोनों साथ में घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, बाजार जाते हो या कहीं घूमने के लिए साथ में जाते हो तो किस तरह जाते हो? एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से मजे लेते हुए झूमते हुए चलते हैं, है ना? साथ में एक दूसरे के घूमते हैं, साथ में एक साथ जाते हैं मजा लेते हुए। बच्चों आप भी अपने दोस्तों के साथ इस तरह झूमते हुए मजा लेते हुए चले। बच्चों आपने फौजी को देखा है? हाँ हमने देखा है। आपको पता है फौजी क्या करते हैं? मुल्क की हिफाजत करते हैं। शाबाश। अब हम फौजी की तरह चलेंगे नज़्मो ज़ब्त के साथ। 1 2 3 स्टार्ट। लेफ्ट राइट टर्न, लेफ्ट राइट टर्न, लेफ्ट राइट। शाबाश। हमारे दिल में भी फौजियों की तरह हमारे मुल्क की हिफाजत का जज्बा होना चाहिए। अब हम बारौब चलना देखेंगे। आपकी अम्मी या आपके अब्बू आपके लिए कोई नई चीज लाते हैं, कोई खास ऐसी चीज लेकर आते हैं जो आपके घर में या दोस्तों में किसी के पास ना हो, सिर्फ आपके पास ही हो, तो आपके अंदर एक एहसास पैदा होता है और खुशी महसूस होती है और आपके चलने में रौब पैदा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि रौबदार चलना किस तरह होता है। हाँ ऐसा रौबदार हम चलते हैं, है ना? रौबदार इस तरह से हम चलते हैं और हमारे चलने में रौब पैदा हो जाता है। शाबाश। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं बाहर जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, गांव जाने के लिए गड़बड़ हो जाती है और हम वो गड़बड़ी में कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं और याद आने पर हम तेज़ी से चलते हुए वो चीज़ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा ना कि आप स्कूल की तैयारी कर रहे हो और कोई चीज़ अपने बैग में डालना भूल जाए और आपको तब फौरन याद आ जाए कि अरे मैं तो बैग में पेन डालना ही भूल गया, तो आप तेज़ी से चलते हुए वो चीज़ ढूंढने के लिए निकल जाते हो।